हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। पेशावर में दहशतगर्दों के वार से अमन एक बार फिर तार तार। खवातीन के भेस में आए बुजदिल दहशतगर्दों ने जरई रिसर्च डायरेक्टरेट में मुकीम इल्म के प्यासों को खून में नहला दिया। दस्ती बम हमलों और फायरिंग के नतीजे में तलबा और मुहाफिजों समेत 9 अफराद शहीद, 36 जख्मी। ईद मिलादुन्नबी की तातील के बाइस कई जाने बच गई। बैरूनी और अंदरूनी दुश्मन पाक सरजमीन का अमन तबाह करना चाहते हैं, हम दहशतगर्दों का पीछा किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे। वफाकी वजीर दाखिला हसन इकबाल का ऐलान। वजीर आला परवेज खटक कहते हैं दहशतगर्द अफगानिस्तान से आकर हमला करते हैं, ये ना तो इंसान है और ना ही मुसलमान। वफाक का शहदा के वर्षा के लिए 10-10 लाख, शदीद जख्मियों के लिए 5 और मामूली जख्मियों के लिए 2 लाख रुपए इमदाद का ऐलान। पाकिस्तान में अमन कायम हुआ है वो किस तरीके से उस टैंक आपके ये बता सकें कि अभी भी ये हो सकता है कोई भी मुसलमान आज के दिन किसी किस्म की दहशतगर्दी का सोच भी नहीं सकता। पेशावर में हमला करने वाले तमाम दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद अपनी कयादत से राबते में थे, हमारे पास एक एक चीज का सबूत है। DGISPR की मीडिया से गुफ्तगू। मेजर जनरल आसिफ गफूर बोले कि रहमतुल्लिल आलमीन के यौम विलादत पर हमला करने वाले मुसलमान बिल्कुल नहीं हो सकते। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का फौरी और बरवक्त एक्शन, इत्तला मिलते ही 3 मिनट में जरई डायरेक्टोरेट पहुंच गए। फौज के साथ बेहतरीन कोऑर्डिनेशन करते हुए तमाम दहशतगर्दों को मार गिराया। IG पुलिस सलाहुद्दीन कहते हैं बुजदिल दहशतगर्द बुर्का पहन कर आए, खुद को जैकेट, दस्ती बम और दीगर असलहा बरामद हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों की कुर्बानी दी, इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाकर दम लेंगे, अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी का शंघाई ताबुन तंजीम के सरबरा इजलास से खिताब, कहा अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम के ख्वाहां हैं। अफगान सदर की पाकिस्तान से बराह रास्त मुजाकरात की ख्वाहिश, अशरफ गनी कहते हैं खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान का किरदार अहम है। अफगानिस्तान में नई अमरीकी पॉलिसी के बाद अस्करियत पसंद नाकामी से दो चार होंगे। इस्लामाबाद में तैनात अफगान सफीर उमर जाकिलवाल की पेशावर हमले की मजम्मत। अकाए दो जहां सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बा सआदत का जश्न, शहर शहर नगर नगर रंगों नूर से जगमगा उठा। गलियों और मोहल्लों में नात रसूल मकबूल की सदाएं। दिन के आगाज पर विफाकी दारुल हुकूमत में 31 और सूबाई दारुल हुकूमत में 21-21 तोपों की सलामी। तख्लीके कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम विलादत पर शहर शहर जुलूसों का इनेकार। कराची में मेमन मस्जिद से बरामद जुलूस नश्तर पार्क पहुँच कर इख्तिताम पज़ीर। लाहौर रेलवे स्टेशन से शुरू होने वाला जुलूस दाता दरबार पहुँच कर खत्म। इस्लामाबाद का जुलूस आपारा पहुँच कर इख्तिताम को पहुँचा।
महबूब मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का अनोखा अंदाज। जलालपुर भट्टिया में 100 पाउंड वजनी के काटा गया। ननकाना साहब में सिख बरादरी भी खातिमुन नबीन के विलादत के जश्न में शरीक। जुलूस के शुरका में लंगर तकसीम किए। लाहौर में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ की रहायशगाह पर अलग अलग महाफिल मिलाद का इनेकार। शरीफ फैमिली, मुस्लिम लीग नून की आला क्यादत और आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। पाकिस्तान में बदकिस्मती से सादिक और अमीन के मामले पर अमल नहीं होता, लेकिन इसके मुकाबले में मगरिब की सियासी लीडरशिप ने हमारी सिफात को अपना लिया। इमरान खान का सीरत-उन-नबी कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा अदल इंसाफ का ऐसा निजाम लाएंगे जहां इंसानियत की कदर और सबके साथ बराबरी का सलूक किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी हुकूमत मुखालिफ धरनों पर फट पड़े, कहा 2014 और 2017 के धरने में फर्क सिर्फ और सिर्फ दाढ़ी का था। दोनों धरनों में रोज गालियां दी जाती रही। वजीर कानून का इस्तीफा मेरिट पर नहीं बल्कि मुल्की मफाद में लिया गया। जब तक हम मुत्तहिद रहेंगे दहशतगर्द कामयाब नहीं हो सकते। वजीर आला सिंध स्टार गेट में धरने के शुरका पर पुलिस फायरिंग पर बरहम, कहते हैं फायरिंग की तहकीकात का हुक्म दे दिया। धरने वाले दिन मेरे वाजे अहकाम थे कि ताकत का इस्तेमाल ना किया जाए, इस मामले में कोई दबाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। लाहौर में पंजाब असेंबली के सामने तहरीक लबैक का धरना सातवें रोज भी जारी। मुजाहिरीन का मुतालिबात की अदम मंजूरी तक एहतजाज खत्म करने से इनकार। साबिक वजीर इत्तला शर्जील मेमन का इलाज जेल में मुमकिन नहीं। जो सहूलियात मेडिकल बोर्ड ने तजवीज की वो हमारे पास मौजूद नहीं। ऐसे हालात में शर्जील मेमन की सेहत और जिंदगी की जिम्मेदारी हम नहीं ले सकते। चीफ मेडिकल अफसर जेल का सिंध हुकूमत को खत। पाकिस्तान का सऊदी अरब में रॉकेट हमलों पर तश्वीश का इजहार। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि हुकूमत मुखालिफ यमनी अनासिर ऐसे हमलों से बाज रहे। सऊदी हुकूमत और भाइयों के साथ इजहार यकजहती करते हैं। पाकिस्तानी हुकाम को अलकायदा के सरबराह उसामा बिन लादिन की अहमदाबाद में मौजूदगी का बिल्कुल इल्म नहीं था। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा का भारतीय मीडिया को इंटरव्यू। अस्सलाम वालेकुम, आज 9 बजे में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूँ किरण दिसवे। मैं हूँ अरबाब जहांगीर। बुलेटिन का आगाज करते हैं पिशावर में दहशत गर्दों के हमले की अफसोसनाक खबर से। बुजदिल हमलावरों ने 12 रबीउल अव्वल के दिन सोए हुए नहते और बेगुनाह अफराद को निशाना बनाया। बुरकापोश दहशत गर्दों ने एग्रीकल्चर डायरेक्टोरेट पिशावर पर सुबह सवेरे हमला कर दिया। तहम पुलिस ने फौरी और बर्वक कार्रवाई की और बड़ा नुकसान होने से बचा लिया। तहम फिर भी दहशत गर्दों के हाथों 6 तलबा समेत 9 अफराद शहीद हो गए। पाक फौज और पुलिस ने तीनों दहशत गर्दों को हलाक कर दिया। दहशत गर्दों के पास से 20 दस्ते बम और 3 खुदकुश जैकेट मिली है जो अगर इस्तेमाल हो जाती तो बड़ी तबाही हो सकती थी। हमलावर मुसलसल अफगानिस्तान में अपने साथियों से रबते में थे। बारह रबी अव्वल की खुशियों की नवील लाने वाले सूरज ने अभी किरणें बिखेरी ही थीं कि दहशत गर्दों ने पिशावर में वार कर दिया। रक्षे में सवार बुरका पोश 3 दहशत गर्द ठीक 8:45 पर एग्रीकल्चर डायरेक्टोरेट पहुंचे और गेट पर मौजूद 2 सिक्योरिटी गार्ड्स पर फायरिंग करते हुए इमारत में घुस गए। हमले के वक्त इमारत में 150 अफराद मौजूद थे। तातील के बाद ज्यादातर अफराद हॉस्टल में सो रहे थे। दहशतगर्दों ने हैंड ग्रेनेड फेंके और फायरिंग शुरू कर दी। 3 से 5 मिनट में रैपिड रिस्पांस और पुलिस कमांडो जाए वकुआ पर पहुंच गए। पुलिस और पाक आर्मी के मुश्तरक ऑपरेशन में 3 दहशतगर्द मारे गए।
دہشت گردوں کی فائرنگ سے 6 طلبہ سمیت 9 افراد شہید اور 36 زخمی ہوئے۔ افراد شہید ہوئے ہیں جس میں 6 کے قریب اسٹوڈنٹس ہیں، اس میں ان کا چوکیدار ہے اسکول کا، ایک دو سویلینز ہیں اور 3 دہشت گرد ہلاک کیے گئے ہیں، چوتھے کی کنفرمیشن ہو رہی ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی فورسز کی بروقت کارروائی کے باعث بڑا حملہ پسپا کر دیا گیا۔ واقعے کے سوگ میں ہفتے کو پشاور میں تمام تعلیمی ادارے بند رہیں گے۔ پاک فوج نے پشاور میں حملہ کرنے والے دہشت گردوں کے رابطوں کا انکشاف کر دیا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق دہشت گرد افغانستان میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں تھے۔ پاکستان میں حملہ کرنے والوں کی ایک بار پھر افغانستان میں رابطوں کی تصدیق ہو گئی۔ اس سے قبل سانحے آرمی پبلک اسکول کے دہشت گرد بھی افغانستان بات کرتے رہے تھے۔ جو پاکستان میں امن قائم ہوا ہے وہ کس طریقے سے، آپ یہ بتا سکیں کہ ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی مسلمان آج کے دن کسی قسم کی دہشت گردی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کے مطابق دہشت گرد افغانستان میں اپنے ساتھیوں سے رابطے میں تھے اور قلعدم تحریک طالبان کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول کرنا افغانستان سے دہشت گردی کا ثبوت ہے۔ جو پاکستان میں امن قائم ہوا ہے وہ کس طریقے سے، اس میں ڈینٹ ڈال کے یہ بتا سکیں کہ ابھی بھی یہ ہو سکتا ہے؟ تو پاکستان کے اندر تو ان کا کوئی ایسا انفراسٹرکچر بھی رہ نہیں گیا۔ ہمارے پاس ابھی ایویڈنس بھی ہے کہ وائل دے ور ڈوئنگ دس آپریشن تو وہ کمیونیکیشن میں تھے اپنی لیڈرشپ کے ساتھ افغانستان میں، اور انہوں نے اس کو کلیم بھی کیا ہے ٹی ٹی پی نے۔ تو ہم یہی بات جو ہے آر ایس ایم سے اور افغانستان کی سیکیورٹی فورسز سے کہتے ہیں کہ اس وقت جو افغانستان میں سیکیورٹی ویکیوم ہے اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ میجر جنرل آصف غفور نے مزید کہا کہ دہشت گردوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ کوئی بھی مسلمان آج کے دن کسی قسم کی دہشت گردی کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ تو ریجیکٹڈ لوگ ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی ملک نہیں ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح کیا کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کو روکنا وہاں موجود فورسز کی ذمہ داری ہے۔ افغانستان کے امن کے لیے جو بھی پاکستان کی سپورٹ ہے وہ ان کو دی جا رہی ہے اور آئندہ بھی دیں گے، اور جو ہم بارڈر پر فینس کر رہے ہیں اس سے بھی جو ہے جو بارڈر کی صورت حال بہتر ہوگی۔ اور ہم نے یہ بھی تجویز دی ہے کہ جس طریقے سے ہم اپنی طرف فینسنگ کر رہے ہیں، اگر افغانستان بھی اپنی طرف یہ فینسنگ کر لے، اور ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ ہم ان کو یہ فینسنگ کر کے دے دیں اور جو قلعے ہیں وہ بنائیں اپنی طرف بھی، جب تک دونوں طرف کوآرڈینیشن نہیں ہوگا اور افغانستان میں سیکیورٹی ویکیوم ہوگا یہ حالات ایسے رہیں۔ ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ حملے پر افغانستان سے بات کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے اور امن کے لیے افغان مہاجرین کا اپنے وطن لوٹنا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک اور آئی جی صلاح الدین محسود نے پولیس کی جانب سے فوری رد عمل کی تعریف کی اور کہا کہ پولیس نے بروقت کارروائی کر کے بڑی تباہی سے بچا لیا۔ یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ پشاور میں زرعی یونیورسٹی ریسرچ ڈائریکٹریٹ پر دہشت گردوں کا حملہ، وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے اسپتال میں زخمیوں کی عیادت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ پولیس بروقت کارروائی نہ کرتی تو تباہی زیادہ ہو سکتی تھی۔ چونکہ یہ بالکل مین روڈ کے اوپر تھا اور چھٹی کا بھی دن تھا تو پولیس الرٹ تھی، چونکہ ایک ٹیررسٹ جب آتے ہیں وہ اپنے آپ کو مارنے آتے ہیں اور مرنے مرانے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو جب ایک دفعہ گھس گئے تھے تو پولیس نے اور ہمارے عام فوج نے زبردست کارنامہ کیا اور ان کو وہیں پر ڈھیر کر دیا۔ آئی جی پولیس خیبر پختونخوا صلاح الدین محسود نے میڈیا سے گفتگو کی۔ انہوں نے کہا کہ پولیس 5 منٹ کے اندر اندر موقع پر پہنچی۔ تقریباً 8:35 پہ کال آئی ایگریکلچر انسٹیٹیوٹ کے اوپر حملے کی۔ پولیس نے 3 سے لے کر 5 منٹ کے اندر اندر وہاں ان کی پہلی گاڑیاں پہنچی ہیں۔ آئی جی کے پی کے کا کہنا تھا کہ پولیس کے جوانوں نے آپریشن کے دوران محصور لوگوں کو ریسکیو کر کے عمارت کو خالی کرایا۔ کارروائی میں کئی پولیس اہلکار اور فوجی افسران بھی زخمی ہوئے۔ وزیر داخلہ احسن اقبال فوری طور پر پشاور پہنچے اور انہوں نے زخمیوں کی عیادت کی۔ میڈیا سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ فوج اور پولیس نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔
हम सबको मुत्तहिद होकर दहशत गर्दों का मुकाबला करना होगा। उन्होंने कहा कि शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा, दहशत गर्द ओवर टाइम पर काम कर रहे हैं। वजीर दाखिला ने शोहदा के लवाहिकीन के लिए 10 लाख, शदीद जख्मियों के लिए 5 लाख और मामूली जख्मियों के लिए 2 लाख की इमदाद का ऐलान किया। हमारे शहीद हुए हैं लोग, उनके लिए वफाकी हुकूमत 10 लाख रुपए की कॉम्पनसेशन भी देगी और जो क्रिटिकली इंजर्ड हैं उन्हें 5 लाख और जो जख्मी हैं उन्हें 2 लाख। हर वो खून का कतरा जो इस धरती में दहशतगर्दी की वाक़े से बहता है वो हमारे अज़्म को कमज़ोर नहीं करता, मजबूत करता है। और आज एक हमने इजलास की भी सदारत की है और उसमें मैंने सूबाई हुकूमत को यकीन दिलाया है। ख़ास तौर पे मैं फौज के किरदार की तारीफ़ करना चाहूँगा और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस की तारीफ़ करना चाहूँगा कि उनकी बरवक्त कार्रवाई से और उनकी बहादुरी से बहुत सारी जानें नुकसान से बच गई हैं। अगर हमारा दुश्मन ओवर टाइम काम कर रहा है तो हमें उससे ज़्यादा तेज़ रफ्तारी के साथ मिलकर इन साजिशों को नाकाम बनाना है। जो भी इसके मुर्तकिब होंगे हम इस लहू को भूलेंगे नहीं और उनका इंशाल्लाह ताला पीछा किया जाएगा। जैसे कि पहले भी आपने देखा है कि जितनी दहशतगर्दी के वाकयात हुए हैं उनके जो भी जिम्मेदारान हैं उन तक हुकूमत ने और सिक्योरिटी के इदारों ने पहुँच के उनको ज़रूर उनके उस घनौने जुर्म की सजा दी है। पेशावर हमले में मजीद क्या अपडेट से बात करते हैं आज न्यूज़ पेशावर की ब्यूरो चीफ फरजाना अली से। फरजाना, सबसे पहले तो ये बताएगा कि तहकीकात के हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है? देखिए, तहकीकात के कुछ पॉइंट हमारे सामने आए हैं, अगरचे उन्हें ऑफिशियली तो हमें नहीं बताया गया अभी किसी भी तरफ से, लेकिन कुछ चीजें जो है वो सामने आई हैं। तो उन्हें यही कहा गया है कि जो दहशतगर्द थे वो खैबर एजेंसी की तरह से अफगानिस्तान से आए थे और कल रात को वो दानिशाबाद का इलाका जो जहाँ पे ये वाकया हुआ है इसके बिल्कुल पीछे बोर्ड के साथ ये एक इलाका है, वहाँ पे उन्होंने रात गुजारी थी। इसके अलावा ये भी बताया गया कि इस दौरान पहली कॉल जो उन्होंने की वो भी दानिशाबाद से की और व्हाट्सएप कॉल पर भी वो गुफ्तगू रहे मुख्तलिफ औकात में। तो ये एक चीज थी जो सामने आई, लेकिन बहरहाल इसको ऑफिशियली कहीं भी ये चीज रिपोर्ट की सूरत में अभी हमारे सामने नहीं आई है और ना ही कोई मुकदमा इस हवाले से दर्ज किया गया है। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन है उसमें जिस तरह से वो लोग आए थे और जिस तरह से हमलावर हुए और जिस तरह से उसके बाद उन्होंने अपने हमले की वीडियो भी रिलीज की, तो उससे लगता यही है कि ये बिल्कुल एक प्लानिंग के साथ और बाकायदा रेकी के बाद ये एक हमला किया गया है। जी ठीक है, पेशावर में दहशतगर्दों ने एग्रीकल्चर डायरेक्टोरेट पर हमला किया, क्या तहकीकात हुई है आप बता रही थी फरजाना अली, आपका बहुत शुक्रिया। इमरान खान ने भी दहशतगर्द हमले की मजम्मत की और कहा कि पख्तूनख्वा पुलिस के आला मयार ने बड़े सानहे से बचा लिया, फौज और पुलिस ने मौसर बाहमी तावुन से फौरी ऑपरेशन करके कई कीमती जानें बचाई। जो आज पेशावर में हुआ सुबह, मैं खास तौर पर दाद देना चाहता हूँ पख्तूनख्वा की पुलिस को, अपनी फौज को, जिस तरह उन्होंने एक बड़े हादसे से बचाया है। और पुलिस में जो सजाद खान और हमारे ताहिर खान दो पुलिस ऑफिसर्स थे, जिस तरह उन्होंने आज ऑपरेशन किया, मैं उनको और उनके जो उनके साथ जो जिन्होंने ऑपरेशन में शिरकत की खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपने मुल्क की तरफ से। ये एक बहुत बड़ी जहाद है, ये जिस तरह की दहशतगर्दी पिछले 12-13 सालों में आई है और ख़ास तौर पे पख्तूनख्वा जिधर सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी थी उधर ये पुलिस का बड़ा ज़बरदस्त ये आखिरी 2 सालों में रोल रहा है। एक प्रोफेशनल पुलिस निकली है, पुलिस कमांडोज पाकिस्तान कमांडोज की स्टैंडर्ड के कमांडोज ट्रेन हो चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने कंट्रोल किया है। और आज ख़ास तौर पर हम उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शाहिद ख़ाकान अब्बासी कहते हैं पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हजारों जानों की कुर्बानी दी, इस जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचा कर ही दम लेंगे। रूस के शहर सूची में शंघाई तावुन तंजीम के 16वें सबर अजलास खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी के भी खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, पुरअमन अफगानिस्तान खत्ते की जरूरत है।
Pakistan is fully cognizant of the threats posed by terrorism, separatism and extremism to the regional and global economic development. We are vigilant and will not allow any form of militancy on our soil. Pakistan is fully committed to eliminating the evil of terrorism. Terrorism cannot be identified with any religion, individual countries or nationalities. Pakistan desires an early return of peace, stability and prosperity to our brotherly country of Afghanistan. افغانستان نے پاکستان کے ساتھ براہ راست مذاکرات کی خواہش ظاہر کر دی. ادھر اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر نے بھی پشاور حملے کی مذمت کی ہے. افغان حکمران پاکستان کے خلاف بولنے کا کوئی موقع جانے نہیں دیتے, لیکن پشاور میں طلبہ پر حملے نے افغانستان کو مذاکرات پر مائل کر دیا ہے. افغان صدر اشرف غنی نے اذربائیجان میں ہارٹ آف ایشیا کانفرنس سے خطاب کیا اور پاکستان سے مذاکرات کی خواہش ظاہر کر دی. ان کا کہنا تھا کہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کا کردار اہم ہے. اشرف غنی نے دعویٰ کیا کہ افغان فورسز نے داعش کو پہاڑوں تک محدود کر دیا ہے اور نئی امریکی پالیسی کے بعد عسکریت پسند ناکامی سے دوچار ہوں گے. ادھر اسلام آباد میں تعینات افغان سفیر عمر زاخل بال نے پشاور حملے کی مذمت کی اور شہدا